माई ब्लॉग मेरी यात्रा के सभी सहयात्रियों को पीके पथिक का हार्दिक नमस्कार। मित्रों, आज हम कसारा घाट से गुजर रहे हैं, हम कार से गुजर रहे हैं, हम एक शूट पे जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन हाउस ने कार कैब प्रोवाइड किया और हमारे साथ बड़े मस्त एक व्यक्ति थे, 75 इयर्स के ड्राइवर हैं और इनका नाम मेहता है और इनका वही नाम है जो जिसमें शेयर मार्केट के एक बहुत बड़े घोटालेबाज का कभी नाम हुआ करता था। एनीवेज, ये बड़े मस्त आदमी हैं, ये शौक के लिए अभी सिर्फ ड्राइविंग करते हैं और इनके सारे बच्चे फॉरेन में, यूरोप में सेटल हैं और इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अपने विषय में इन्होंने बहुत कुछ बताया, लेकिन आप घाट का आनंद लें। अनकट वीडियो बीच बीच में हमने पॉज किया है और चूंकि हमारे साथ इतने मस्त मौला सारथी थे, ठीक है, मेहता साहब देखिए ये हैं हमारे मेहता साहब, बहुत मस्त आदमी हैं। तो घाट का आनंद लीजिए, इन्जॉय कीजिए, बीच बीच में इनकी बातें भी हमारी सुनाई देंगी, लेकिन मोस्टली आपको नेचर का ही साथ मिलेगा इस पूरे वीडियो में। तो हमारे मेहता साहब ने अपना जो कैरियर है एज अ फोटोग्राफर शुरू किया था और एज पर हिम, उनके अकॉर्डिंगली अगर हम उनकी बात को माने तो मुंबई में या भारत में वीडियो कैमरा, जो VHS वाला वो कैमरा होता था ना, जो शादी ब्याह में पहले रिकॉर्डिंग होता था, पुराने लोग जानते होंगे, नई जनरेशन के बच्चों को शायद ना पता हो, तो वो ये जापान से पहली बार लेके आए थे और वो एक्सपीरियंस कमाल था, किस तरह से कस्टम से होके गुजरे, लेके आए और उसके बाद मुंबई के सारे फोटोग्राफर, 28 फोटोग्राफर्स इनके साथ गए, सब कैमरा लेके आए और क्या क्या हुआ कहानी। तो किस्से तो बहुत होते हैं लेकिन कभी कभी सुनाने वाले का जो अंदाज़ होता है ना, उससे सुनने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो इस कैब में हमारे साथ तीन लेडीज़ थी जो शूट पर हमारे साथ जा रही थी, सब बड़े रोमांच के साथ सुन रहे थे। लेकिन अभी इतना इजी कर दिया ना ये लोग ने, पहले ये टू वे था। अच्छा, टू वे था, अभी वन वे कर दिया। आने जाने का, इधर जाने का वो बाजू से अलग है, अलग से बना दिया रोड, तो एक्सीडेंट का चांस नहीं रहता है। दूसरा रास्ता भी चौड़ा कर दिया। पहले 50 साल पहले तो ये जो पट्टी और ये वाइट पट्टी है ना, बस इसी के बीच में ही रोड था, उसी में आने जाने का। खैर उस वक्त इतना गाड़ियां भी नहीं थी। जैसा कि मेहता साहब ने अभी बताया कि ये घाट जो है कसारा घाट, जब मुंबई से हम नासिक की ओर जाते हैं तो 14 किलोमीटर का घाट है। घाट क्या कहलाता है, समझिए कि घाट एक पहाड़ी रास्ता होता है, जो पहाड़ी पर ऊंचाई की ओर हम चढ़ रहे होते हैं तो वो घाट कहलाता है। वही रास्ता जाते वक्त चढ़ाई में होता है, लौटते वक्त वो ढलान में होता है, तो ये घाट कहलाता है, मतलब महाराष्ट्र में इसे घाट कहा जाता है। और बहुत सुंदर सुंदर घाट होते हैं, अक्सर लोग घाट घूमने भी जाते हैं, तो ये घाट का रास्ता है। अगल बगल नीचे खाई है, जंगल है, पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर जंगल है, मतलब प्रकृति का मनोरम नज़ारा जो है वो हमने देखा। जो भी मुंबई से नासिक बाई रोड गया होगा उसने भी देखा होगा। ये मैं यूं कहूं कि जनवरी 2024 में ये घाट है, आने वाले समय के लिए, इतिहास के लिए हमने इसे रिकॉर्ड करके
अपने YouTube ब्लॉग माई ब्लॉग मेरी यात्रा पीके पथिक में इसको अपलोड किया आप सबके लिए। आप इस घाट का आनंद ले सकते हैं। अगर केवल घाट देखना है तो बीच बीच में ये जो हमारा डब ट्रैक है उसको आप साइलेंट कर सकते हैं। कभी कभी रास्ते देखने में भी आनंद आता है। खैर अगर हम मतलब प्राकृतिक रूप से मौजूद होकर देखें तो आनंद उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, किंतु पिक्चर में भी जब हम इस तरीके की चीज़ें देखते हैं तो आनंद आता है। अपने ब्लॉग पे डालता हूँ माई ब्लॉग मेरी यात्रा पीके पथिक। जब तक इस घाट की हम रिकॉर्डिंग करते रहे तब तक हमारे मेहता साहब शांत रहे, लेकिन उसके बाद जो है वो इंटरेस्टिंग कहानियाँ वो सुनाते रहे और कमाल की इंटरेस्टिंग कहानी थी। खैर ये हमको सौभाग्य मिला कि हम इतने अच्छे सारथी या इतने एक्सपीरियंस पर्सन के साथ हमने ये यात्रा की, और यात्रा करीब 300-400 किलोमीटर की थी। हम सुबह चले थे लगभग 9 बजे और शाम को हम 6 बजे के करीब पहुँचे। बीच में एक आध ब्रेक हमने लिया। सुंदर सुंदर यात्रा थी, बड़ा अच्छा अनुभव था। बड़े स्मूथ तरीके से गए, हाईवे रास्ता बहुत अच्छा था। और समझिए कि 21 जनवरी को ये यात्रा कर रहे थे और 22 को हमें शूट करना था। अयोध्या का सेटअप लगा था और हमने अयोध्या के महाराज का एक रोल किया, हमने अश्वमेध यज्ञ किया, आने पर वो भी बताऊँगा।